नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। आज से देखिए जंग, जुनून और जज्बे का लाइव शो, एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो, डिफेंस एक्सपो लखनऊ। रोमांच से भरपूर एशिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो के आयोजन में आपका स्वागत है। बुधवार से शुरू होने जा रहे इस रोमांच को अगर आप अपनी जिंदगी के अविस्मरणीय पलों में शामिल करना चाहते हैं तो ये खबर खास आपके लिए ही है। तो आइए जानते हैं एक्सपो की खास बातें, जिन्हें देखने के बाद आप न सिर्फ किसी भी परेशानी से बच सकेंगे बल्कि इस अनूठे आयोजन का भरपूर लुत्फ भी उठा सकेंगे। डिफेंस एक्सपो का मुख्य आयोजन बुधवार 5 फरवरी से वृंदावन सेक्टर 15 में शुरू हो रहा है, जो 9 फरवरी तक चलेगा। वृंदावन में सभी दर्शकों की एंट्री सिर्फ 8 और 9 फरवरी को होगी। यहाँ एयरफोर्स और सेना की ओर से लाइव डेमो की प्रस्तुतियाँ होंगी, जबकि गोमती रिवर फ्रंट पर दर्शक 5 से 9 फरवरी तक नेवल के लाइव शो का आनंद ले सकते हैं। एंट्री के लिए आईडी लेकर जाना अनिवार्य है। इसके अलावा वृंदावन में दर्शकों के लिए स्टैटिक डिस्प्ले भी लगाया गया है, जहां अत्याधुनिक सैन्य हथियार, मिसाइलें व उपकरणों को लगाया गया है। यहां उनकी जानकारियां ली जा सकेंगी। गोमती रिवर फ्रंट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। गोमती रिवर फ्रंट पर नौसेना व इंडियन कोस्ट गार्ड प्रस्तुतियां देंगे। वहीं वृंदावन में होने वाले एयर शो में एयरफोर्स व आर्मी की प्रस्तुतियां होंगी। इसमें डेयर डेविल की प्रस्तुति खास होगी। सेल्फी पॉइंट है खास। दर्शकों के लिए गोमती रिवर फ्रंट व वृंदावन एक्सपो स्थल पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। इसमें रिवर फ्रंट पर दर्शक बंकर, टैंकों, बीएमपी के साथ सेल्फी ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त उनके लिए एडवेंचर गेम जून, सेना में रोजगार के अवसर का स्टॉल, सिमुलेटर लगाया जा रहा है, जबकि वृंदावन स्थल पर यह स्टेटिक जोन में सेना के जवानों की पोशाक व जवानों के साथ अन्य अत्याधुनिक हथियारों के साथ सेल्फी ले सकेंगे। ये बढ़ाएंगे दर्शकों का रोमांच। वृंदावन में मिलेगा एयर शो फाइटर जेट सुखोई Su-30, मालवाहक ग्लोब मास्टर, सूर्य किरण की एरोबेटिक टीम, हेलीकॉप्टर MI-17, तेजस, जगुआर, रुद्र, ध्रुव, चिनकुट, डोर्नियर। इसके अलावा आर्मी लाइव शो के तहत बोफोर्स, बीएमपी, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, घुड़सवारी और घोड़े पर योगा, अर्जुन टैंक, ब्रिज लेइंग सिस्टम, पैरा टूपर्स तथा डेयर डेविल्स के बाइक स्टंट, स्टैटिक डिस्प्ले, लाइव यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, एंटी सैटेलाइट मिसाइल, अश्विन एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी वारशिप रॉकेट लॉन्चर, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल, मिसाइल डिफ्यूजर रोबोट टैंक, MiG-21 बाइसन, देसी बोफोर्स धनुष। रिवर फ्रंट के आकर्षण बनेंगे आर्मी की T-90 टैंक, BMP-2, सेना के श्वानों का डिस्प्ले, इसके अलावा नेवी के मार्कोस द्वारा शौर्य का प्रदर्शन, जेमनी बोट्स, सेल बोट्स इत्यादि। कोस्ट गार्ड के प्रदर्शन में वाटर कूलरों से हैरत अंगेज करतब, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रदर्शन रहेगा। इसके अलावा होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात करें तो गतका नृत्य, खुखरी नृत्य, कुमाऊनी नृत्य, आर्मी, नेवी व एयरफोर्स बैंड की प्रस्तुतियां खास आकर्षण रहेंगे। एक्सपो में जाने से पहले इन खास बातों का रखें ध्यान। एक्सपो में खाने पीने का सामान ले जाना मना है। एक्सपो गेट एग्जीबिशन टाइम से 2 घंटे पहले खुलेंगे। पास कार्ड या टिकट का QR कोड टेम्पर होने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अस्त्र शस्त्र, चाकू, टॉय वेपन, लेजर पॉइंटर लेकर जाना मना है। अब देखते हैं एक्सपो का प्रोग्राम शेड्यूल। गोमती रिवर फ्रंट में नोवेल शो 5 फरवरी दोपहर 2:15 से शाम 5:30 तक। 6 फरवरी सुबह 11 से दोपहर 1 और दोपहर 2:15 से शाम 5:30 तक। इसी तरह 7 फरवरी को सुबह 11 से दोपहर 1 तक, दोपहर 2:15 से शाम 5:30 तक। 8 फरवरी को सुबह 11 से दोपहर 1 तक तथा दोपहर 2:15 से शाम 5:30 तक। 9 फरवरी को सुबह 11 से दोपहर 1 तक। वृंदावन में एयर शो 8 फरवरी सुबह 11:30 से दोपहर 1:30 तक, दोपहर 3:00 से शाम 4:30 तक। 9 फरवरी सुबह 11:30 से दोपहर 1:30 तक। कॉकपिट में बैठ सकेंगे दर्शक। इसके अलावा दर्शक कॉकपिट में बैठकर जहाज की उड़ान का आनंद भी ले सकेंगे। इसके लिए वृंदावन स्थित एक्सपो स्थल पर सिमुलेटर लगाए जा रहे हैं। HAL की ओर से लड़ाकू विमान Sukhoi-30 MKI के कॉकपिट का सिमुलेटर लगाया जा रहा है। ऐसे ही बोइंग की तरफ से FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट का सिमुलेटर भी लगेगा, जबकि गोमती रिवर फ्रंट पर
युद्ध स्थल की रणनीतियों से रूबरू कराने के लिए फायरिंग रेंज का सिमुलेटर लगाया गया है। इसके अलावा दर्शक प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर इनाम भी जीत सकते हैं। डिफेंस एक्सपो में फोटोग्राफी कंटेस्ट हो रहा है, जिसमें पहला इनाम 1,00,000 रुपए का, दूसरा इनाम 75,000 व तीसरा इनाम 50,000 रुपए का रखा गया है। एक्सपो के दौरान विमानों, टैंकों, जहाजों सहित शो की फोटो सहित अन्य फोटोग्राफी की जा सकती है। सभी विजेताओं को 8 फरवरी को समापन पर पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए प्रतिभागी का ट्विटर हैंडल व इंस्टाग्राम अकाउंट होना अनिवार्य है। रोजाना फोटो खींचने के बाद उसे हैशटैग करते हुए कैप्शन लिखना जरूरी है। इसके अतिरिक्त डिफेंस एक्सपो का इंस्टा व ट्विटर हैंडल को फॉलो करना जरूरी है। शाम 5 बजे से पहले फोटो को कैप्शन के साथ अपने इंस्टा व ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करना होगा और उसे 3 लोगों को टैग करना पड़ेगा। प्रतिभाग के लिए डिफेंस एक्सपो की वेबसाइट पर जाकर फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। विजेताओं की सूची डिफेंस एक्सपो के इंस्टाग्राम व ट्विटर हैंडल पर जारी की जाएगी। ऐसे ही फ्रेंड्स ऑफ एक्सपो में भी विजेता बनने का मौका दर्शकों को मिलेगा। रिवर फ्रंट पर होंगे ये कंपटीशन। गोमती रिवर फ्रंट पर लोगों की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए प्रतियोगिताएं कराई जा रही है। इसमें ऑब्स्टेकल कोर्स, रिफ्लेक्स फायरिंग, एनबीसी सूट, क्विज वगैरह शामिल हैं। जीतने वाले को सम्मानित किया जाएगा। वहीं एक्सपो प्रशासन की ओर से डिस्कशन व फ्रेंड्स ऑफ डिफेक्सो प्रतियोगिताएं पहले ही घोषित की जा चुकी है। एक्सपो के दौरान वृंदावन के आसपास रहने वाले इन बातों का रखें खास ध्यान और असुविधा से बचें। वृंदावन सेक्टर 15 में डिफेंस एक्सपो हो रहा है, जबकि इसके आसपास के सेक्टर में रहने वालों के लिए यह जानकारी जरूरी है कि घर से निकलने से पहले आईडी जरूर लेकर निकलें, क्योंकि पूरे इलाके में बैरिकेटिंग कर दी गई है, जहां सुरक्षा बलों को तैनात किया जाएगा। इससे सुरक्षाकर्मी लोगों की आईडी चेक करने के बाद ही एक्सपो की ओर जाने देंगे। अब जानकारी एक्सपो में जाने वालों के लिए पार्किंग स्थलों की। रिवर फ्रंट पर यहाँ होगी पार्किंग। LP1 राजकीय इंटर कॉलेज निषादगंज, LP2 कॉलविंद तालुकेदार इंटर कॉलेज का मैदान, LP3 झूले लाल पार्क मैदान, LP4 पेपर मिल तिराहे से मेट्रो सिटी चौकी तक दाहिनी ओर, LP5 छठ पूजा मैदान, LP6 नेशनल PG कॉलेज चिरैया झील बाबू केडी सिंह स्टेडियम। एक्सपो पहुंचने वाले ऐसे पहुंचे रिवर फ्रंट तक। IT कॉलेज से आने वाले कॉलविंद में गाड़ी पार्क करेंगे और वहां से पैदल ही रिवर फ्रंट तक पहुंचेंगे। परिवर्तन चौक की ओर से आने वाले मन कामेश्वर मंदिर व नवदा कॉलेज की ओर पार्किंग करेंगे। हजरतगंज की ओर से आने वाले निषादगंज इंटर कॉलेज में पार्किंग करेंगे। महानगर की ओर से आने वाले पेपर मिल तिराहे से मेट्रो सिटी की ओर पार्किंग करेंगे। परिवर्तन चौक व डालीगंज से आने वाले ट्रैफिक नेशनल कॉलेज की ओर से सड़क पर पार्क होगा। वहीं छठ पूजा मैदान में VIP गाड़ियों की पार्किंग होगी। इन जगहों पर है सेटेलाइट पार्किंग की व्यवस्था। 7 पार्किंग सुल्तानपुर रोड से शहीद पथ होते हुए डिफेंस एक्सपो स्थल तक पहुंचने के रास्ते पर होगी। 1 पार्किंग कानपुर रोड से अमोसी एयरपोर्ट होते हुए शहीद पथ पर चढ़ाई के दौरान मिलेगी। 1 पार्किंग आगरा एक्सप्रेसवे से एक्सपो पहुंचने के दौरान आसियाना में मिलेगी। 1 पार्किंग स्थल रायबरेली रोड से वृंदावन पहुंचने के मार्ग पर होगी। ऐसे पहुंचेंगे डिफेंस एक्सपो। हरदोई रोड से दुबग्गा तिराहे से मुन्नू खेरा, कृष्णा नगर, आसियाना होते हुए बंगला बाजार, रामाबाई रैली स्थल, BBAU होते हुए वृंदावन में डिफेंस एक्सपो। आगरा एक्सप्रेस से मुन्नू खेरा, कृष्णा नगर, आसियाना होते हुए पहुंच सकते हैं। कानपुर रोड से अमोसी एयरपोर्ट, शहीद पथ होते हुए आवास विकास सेक्टर 9 उतर जाएंगे, जहां से सेक्टर 15 पहुंच जाएंगे। सीतापुर रोड से कमता तिराहे होते हुए शहीद पथ के रास्ते वृंदावन पहुंच जाएंगे। सुल्तानपुर रोड से गोल्फ सिटी, शहीद पथ होते हुए डिफेंस एक्सपो पहुंच सकते हैं। इसी तरीके से फैजाबाद रोड से कमता पहुंचकर शहीद पथ पर होते हुए वृंदावन कॉलोनी पहुंचेंगे। लोकल पार्किंग से मिलेगी राहत। डिफेंस एक्सपो स्थल तक पहुंचने के लिए जो पार्किंग बनाई गई है, उनके फुल हो जाने पर वैकल्पिक पार्किंग में गाड़ियां लगाई जा सकेंगी। इसके लिए पार्किंग फुल होने से पहले ही कंट्रोल रूम को सूचना देनी होगी। प्रशासन की ओर से 5 जगहों पर लोकल पार्किंग की व्यवस्था की गई है। उसमें उतरेटिया के रास्ते आने वाली गाड़ियों के लिए 4 पार्किंग स्थल, अहिमामो से आने पर भी 4 लोकल पार्किंग, तेलीबाग व कानपुर रोड से आने पर सेक्टर 18 में रेलवे लाइन किनारे 6 लोकल पार्किंग, रायबरेली व PGI रोड से आने पर 2 लोकल पार्किंग बनाई गई है। ऐसे ही मोटरसाइकिलों के लिए 3 लोकल पार्किंग और पुलिस वाहनों के लिए सेक्टर 7 में 3 लोकल पार्किंग बनाई गई है। शटल बसों के लिए पिक एंड ड्रॉप। डिफेंस एक्सपो में मेहमानों और दर्शकों की सुविधा के लिए शटल बसों को चलाया जा रहा है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से प्लान बनाया गया है। 3 जगहों पर इन बसों के लिए पिक एंड ड्रॉप की व्यवस्था की गई है।
जिसमें पहले ज्ञान सरोवर चौराहे पर, दूसरी सेक्टर 10 स्थित पुलिस चौकी के पास और तीसरी वृंदावन कॉलोनी में सेक्टर 18 चौराहे के पास बनाई गई है, जहां यात्रियों को उतारने और चढ़ाने का काम किया जाएगा। तो ये था एक्सपो से संबंधित जानकारी। उम्मीद है कि आपको एक्सपो पहुंचने में कोई तकलीफ न हो। आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर, हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।